नमस्कार दोस्तों, वंश फोटोग्राफी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपके लिए एक नई चीज़ लेके आया हूँ जिसे कहते हैं हाईलाइट। देखो हम इसमें हाईलाइट कैसे बनाते हैं ईडीएस में, आज हम आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों हम ईडीएस 9 प्रो को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों ये अपना EDS 9 Pro ओपन हो चुका है। मैंने इसमें पहले से ही दो क्लिप डाल रखी है पोर्ट्रेट की, तो मैं उसी में आपको काम करके बताऊंगा कि कैसे हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे दो फुटेज डाल दिए, मैं इसी वाले में काम कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें अब देखेंगे दोस्तों कि इसमें कैसे हम हाईलाइट करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे इफ़ेक्ट में। ठीक है दोस्तों, मैं इफ़ेक्ट मैंने यहाँ से खोल लिया है। इफ़ेक्ट में यहाँ से इफ़ेक्ट और इफ़ेक्ट में जाके यहाँ से देखो क्रोमिनेंस, इसी को हम यहाँ से उठा के और इसके ऊपर डाल देंगे। क्रोमिनेंस इसमें डालते ही ये अपने इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। इन्फॉर्मेशन में क्रोमिनाइज आ गया है, हम इसे डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही इसे डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास में ये सब विंडो शो होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो भी कलर हम ऐड करेंगे वो हम कलर यहाँ से इसमें क्लिक करके और यहाँ से हम इसमें ये वाला कलर ऐड कर लेंगे। जैसे हमने एक कलर ऐड कर दिया है दोस्तों, इसे शो की ये हमें ऑन रखना है थोड़ी देर के लिए। शो की हमें यहाँ से ऑन रखना है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो कलर हमें हाईलाइट करना है हमें उसे यहाँ से हाईलाइट करेंगे और इसे थोड़ा सा हम यहाँ से बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से बढ़ जाता है और इसकी रेंज हम यहाँ से बढ़ा देंगे। ध्यान रखना दोस्तों ये पेस में ना पाए, इतना हम यहाँ से इसकी रेंज बढ़ा देंगे। और इसके बाद में इसमें आ जाते हैं। तो दोस्तों ये अपने यहाँ से आउटसाइड फिल्टर में जाएंगे। आउटसाइड फिल्टर में यहाँ पे कलर बैलेंस सेट करके इसे डबल क्लिक करके और इसे यहाँ से माइनस कर देंगे। क्रोमा को हम क्या करेंगे, क्रोमा को माइनस कर देंगे और जो अपना वाइट बैलेंस है इसे ज़ीरो कर देंगे और इसे भी हम यहाँ से ज़ीरो कर देंगे। और इसके बाद दोस्तों इसे ओके कर देंगे। ओके करते ही ये हमारा आउटसाइड का फिल्टर है जो ये यहाँ से हो गया है। अब इनसाइड फिल्टर में जाएंगे। इनसाइड फिल्टर में यहाँ पे हम ले लेंगे व्हील वाला ऑप्शन ले लेंगे। ठीक है, और ये व्हील वाला ऑप्शन यहाँ से, एक मिनट दोस्तों मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे अपना ये आ चुका है। ठीक है, और इसके बाद में ये अपन आउटसाइड पे चलेंगे। यहाँ पे मैंने ये ले लिया है आउटसाइड पे, इसको यहाँ से हम सेट करेंगे। व्हील बताया था मैंने आपको, ये यहाँ पे कलर व्हील सेट कर लेंगे इसे डबल क्लिक करके। दोस्तों ये कलर मैंने यहाँ पे इसे थोड़ा सा इसे हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे अपना कलर आ चुका है। ठीक है, मैं यहाँ से इसे की डाल देता हूँ, की फ्रेम। और इसके बाद मैं यहाँ से यहाँ तक इसका एक कलर और चेंज कर लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, गुड। और ये इसके बाद यहाँ से ये वाला डाल दिया मैंने ब्लू। और इसके बाद यहाँ से डाल देंगे ग्रीन। और इसके बाद यहाँ डाल देंगे इसके ग्रीन के बाद में यहाँ ये वाला डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, और इसे ओके कर देंगे। अब देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर इस पे आ गया है। देखिए यस, अगर दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर इफ़ेक्ट आया है। मेरी तरफ से जितना हो सके मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों बस आप लोगों का सहयोग चाहिए।
थैंक यू, बाय, सी यू अगेन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, ओके, जय हिंद, जय भारत।